हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3। और यदि आपको याद हो तो जो प्रीवियस 2 लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको बताया भी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिक फंक्शन, जिसके अंदर जो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और कोई फंक्शन हो वो एनालिटिक है या नहीं उसकी जांच कैसे की जाती है। तो यदि आपको याद हो फॉर्मूला क्या बताया था, यदि मैं ये मानता हूँ एफ जेड को यू प्लस आइटा वी के फॉर्मेट में, तो आपको याद रखना है एफ जेड का मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये बताया था। और जो कोशी रीमान इक्वेशन है सी इक्वेशन, उसमें बताया था अभी कोई भी फलन कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, यदि ऐसा बन जाए तो हम क्या कहते हैं, इसको इधर लगा दो माइनस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तब उसे क्या बोला जाएगा आपका सी इक्वेशन, ठीक है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये बताना है यहाँ पर कि कोई भी फंक्शन है भी वो एनालिटिक है या नहीं। तो उसकी सिंपल सी प्रोसेस क्या है, आपके सामने लिखी हुई है कि यदि कोई फंक्शन आपकी जो सी आर इक्वेशन है उसे सेटिस्फाइड करता है, उसे क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या बोल देते हैं कि दिया गया फंक्शन एनालिटिक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। अब आपको कैसे दिए गए भाई, ये बात एक को जरूरी है कि हम जो आपको कर्व दिया गया है, सॉरी जो एक फलन दिया गया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई के फॉर्म में हो, क्या आर और थीटा के फॉर्म में नहीं हो सकता? सोचिए, क्या जो दिया गया क्वेश्चन है वो आर और थीटा के फॉर्म में नहीं हो सकता क्या? तो जवाब होना चाहिए कि हो सकता है। तो यदि जो दिया गया क्वेश्चन है वो आर और थीटा के फॉर्म में आ जाए तब सी आर इक्वेशन क्या बनेगी। अब बच्चों सारी चर्चा हमारी उसी के ऊपर ही रहेगी, ठीक है, पहले तो पोलर फॉर्म समझते हैं उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यदि टाइम बचेगा तो वो करेंगे, ठीक है। देखिए तो बच्चों यदि आप सभी को याद हो तो आप सब जानते हो इस मैं कुछ रिजल्ट कि एक्स इक्वल टू होता है आर कोस थीटा, वाई इक्वल होता है बच्चों आर साइन थीटा, ठीक है, और आर स्क्वेयर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और थीटा होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो मुझे चार वैल्यू चाहिए, जो क्या क्या, नंबर एक भाई आप देखो आर भी एक्स और वाई का फलन है, थीटा भी एक्स और वाई का फलन है, आर एक्स और वाई का फलन है, थीटा भी आपका एक्स और वाई का ही फलन है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, क्या करूँगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, आंसर का अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा दो आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये क्या जाएगा बच्चों दो एक्स, दो से दो गया तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ गया एक्स अपॉन आर, एक्स की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा अपॉन आर, आर से आर गया तो क्या आ गया कोस थीटा। बताइए बच्चों इतनी बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है? दोबारा बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, इस कंप्लीट इक्वेशन का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, तो आर स्क्वेयर का अवकलन होगा दो आर, आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वेयर का दो एक्स, वाई स्क्वेयर फिर आपको पता ही है कॉन्स्टेंट होगा तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। दो से दो का गया आर को मैं नीचे ले आया, एक्स का मान होता है आर कोस थीटा, आर से आर गया तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बच्चों मेरे पास क्या आ गया आर कोस, सॉरी कोस थीटा, क्लियर है। सेम प्रोसेस यदि मैं डेल आर और डेल वाई के लिए करूँ तो दो आर डेल आर अपॉन डेल वाई, देखो क्या जाएगा दो वाई आएगा, दो से दो जाएगा ये नीचे तो डेल आर अपॉन डेल वाई आया, वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर क्या होता है वाई का मान रख दो आर साइन थीटा, आर से आर गया तो ये क्या आ गया साइन थीटा। बच्चों ये जो रिजल्ट मैं बना रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये जो रिजल्ट हम बना रहे हैं ना वो सारी सारी रिजल्ट याद रखने के लास्ट में इनका यूज होगा,
तो मेरे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल आर अपॉन डेल वाई। अब डेल थीटा अपॉन डेल एक्स यदि मैं निकालूं तो पहले तो टेन इनवर्स एक्स का आकलन होता है एक बट्टे एक प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर वाई कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा और एक बट्टे एक्स का आकलन होगा माइनस एक बट्टे एक्स स्क्वेयर। तो देखो ये क्या बनेगा, एक बट्टे एक्स स्क्वेयर नीचे लघुत्तम लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर लट के चला गया ऊपर और आ गया माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर गया तो ये आ गया माइनस का वाई अपॉन आर। सॉरी इसको एक बार ये लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। क्लियर है, ये होगा बच्चों, कोई डाउट है? तो ये क्या आ जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये आ गया माइनस का वाई अपॉन आर स्क्वेयर, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। ये वैल्यू आई बच्चों मेरे पास डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की। अब आपके सबके माइंड में एक सवाल आना चाहिए, वो ये कि सर आप यहाँ पे एक्स वाई को रिमूव क्यों कर रहे हो, कि हो सकता है किसी के माइंड में आ रहा हो। तो आप ये पढ़िए, मैं हम पढ़ क्या रहे हैं, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में वेरिएबल क्या होते हैं, आर और थीटा होते हैं, यानी एक्स और वाई का कोई जिक्र ही नहीं करना। तो जहाँ भी आपको एक्स वाई दिखे उनको हटाओ, ठीक है, ये बात ज़रूरी है जब ये प्रूव कर रहे हैं। क्लियर है, तो बच्चों जब मैं डेल थीटा अपॉन डेल वाई करूँगा तो टेन इनवर्स का तो वही होगा, वन अपॉन वन प्लस, और वाई का एक हो जाएगा और एक्स का एक्स रहेगा, ठीक है। तो ये नीचे एक्स स्क्वेयर में एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डॉट वन बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, से घाती एक्स ऊपर आएगा तो आ गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और आप सभी जानते हो ये नीचे वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर स्क्वेयर के, लेकिन एक्स तो अभी भी मौजूद है तो एक्स को भी हटाना है। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया आर कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन आर। देख लीजिए बच्चों, एक बार मैं ऐसे हट जाता हूँ, आप इन चारों वैल्यू को आराम से देख लीजिए, क्योंकि बच्चों एक थोड़ा सा डेरिवेशन हो सकता है तो लंबा बन जाए और उसे सिद्ध करने में जगह की जरूरत हो तो मुझे इनको एक बार यहाँ से मिटाना पड़े, ठीक है। तो एक बार इनको आप देख लो फिर क्यों मैं इनका सीधा यूज करूँ। आराम से देख लिया होगा, चलिए फिर मतलब हम जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसको आर और थीटा में बनाऊं तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स ऐसा लिख सकते हैं, यानी या डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो u है वो मैंने अब x कोमा y की जगह, जैसे देखो एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे देखो एफ जेड जो अभी तक हम लिखते आए हैं वो बच्चों कुछ ऐसा लिखते आए हैं, लेकिन जो पोलर फॉर्म में एफ जेड हम ले रहे हैं वो कुछ ऐसा है, ठीक है। यानी अब u का अवकलन हो चाहे v का, डेल u अपॉन डेल r दिखेगा, डेल v अपॉन डेल थीटा दिखा, ये दो ही दिखने चाहिए, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो x अभी भी है, आपका सवाल ये हो सकता है कि x तो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। लेकिन इन दोनों का मान हमारे पास है और यदि मैं वो मान रख दूंगा तो ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो देख लो एक बार, डेल u अपॉन जो डेल x होगा बच्चों वो आएगा डेल u अपॉन डेल r, तो मुझे चाहिए डेल आर अपॉन डेल एक्स कहाँ गए अभी, ये रहा कोस थीटा, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा भी मुझे चाहिए, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये रहा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। अब आप देख लो क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल जो भी मैंने लिखा है वहाँ पे यू आर थीटा के अलावा आपको और कुछ दिखाई दे रहा है, तो बताओ क्या आपको आगे r और थीटा के अलावा u के अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो यानी ये कंडीशन सही है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई, सेम यही प्रोसेस निकाल लो, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर। डेल आर अपॉन डेल वाई क्या है, डेल आर अपॉन डेल वाई, ये रहा साइन थीटा, ये क्या है बच्चों मेरे पास है, साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये रहा कोस थीटा अपॉन आर, ये लीजिए। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आगे के प्रोसेस के लिए बोर्ड साफ करना पड़ेगा। फिर वापस लिखा हुआ नहीं मिली दिखेगा ये, ठीक है, तो वीडियो पहुंच गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब बच्चों क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा आगे के समझाने के लिए, आगे बोर्ड पे जगह चाहिए, जगह के लिए इसको साफ करना पड़ेगा, हाँ लेकिन कुछ बातें जो हम लिखेंगे जरूर, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जो जो काम की बातें हैं वो सारी लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर एक, हमने जो जो वैल्यू निकाली है वो, नंबर एक ये मैंने निकाली है डेल आर अपॉन डेल एक्स की, वो क्या है कोस थीटा, एक एक करके इनको वैल्यू को हम लिखते हैं, आगे जरूरत पड़ सकती है। फिर हमने निकाली है डेल आर अपॉन डेल वाई की, ये वैल्यू बच्चों हमारे पास साइन थीटा, ये दो वैल्यू आ गई, यानी यहाँ तक मैंने लिख लिया, ठीक है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो जो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है वो आया है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, ये लीजिए। फिर है डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई ये आया है कोस थीटा अपॉन आर, चलो ये भी वैल्यू लिख ली, तो इन सबको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं ना कोस थीटा अपॉन आर, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये क्या है, ये है डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा, ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस, इसको ढंग से लिखते हैं सही, ठीक है, पहले कोस थीटा लिख दो, कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर, और ये क्या जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब हमें क्या लिखना है, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये है साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, चलो ये भी आ गई, ठीक है बच्चों। अब बाकी बोर्ड को पूरा हम साफ कर देते हैं, यानी जो हमने अभी तक जो रिजल्ट बनाई है इसे सिद्ध करने के लिए, वो सारे के सारे जो रिजल्ट है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो बहुत सारे रिजल्ट बाकी है। नंबर एक, आगे मुझे चाहिए डेल यू अपॉन सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखा जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा डेल आर अपॉन डेल थीटा, ठीक है, तो ये क्या जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल थीटा क्या है सॉरी डेल वी अपॉन डेल थीटा सॉरी यहाँ पे एक्स करना है डेल आर अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है सॉरी बच्चों यहाँ पे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है ये रहा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर और ये क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा ये वैल्यू आ गई डेल वी अपॉन डेल एक्स की ठीक है कितनी बार समझ आ गई होगी
सेम बच्चों मुझे वैल्यू चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल वी अपॉन डेल आर, दो डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल वाई के बच्चों वैल्यू है मेरे पास साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वह कोस थीटा अपॉन आर, तो आ जाएगा प्लस ए कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। देखिए बच्चों जो जो हमें चाहिए वो हमने लिख लिया है, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बता सकता है। तो ये आएगा डेल वी अपॉन डेल वाई आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, ठीक है क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर वन नाम दूंगा, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर टू, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर थ्री, और इसे नाम दूंगा इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी भाई ये सारी वैल्यू कैसे आई है। अब सी आर इक्वेशन का यूज करते हैं, देखो सी आर इक्वेशन क्या थी, वो थी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और एक था डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये रहा, ये क्या है कोस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है, इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये है साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर, और ये क्या है प्लस कोस थीटा अपॉन आर, प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। फिर है डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई ये रहा साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है, इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो आ जाएगा माइनस का कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। दिस इज इक्वल इक्वेशन नंबर कितने लिख सकता हूँ, फोर, फाइव एंड सिक्स, ठीक है बच्चों क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है। ये मैंने क्या किया सी आर इक्वेशन के थ्रू इनको लिखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेल यू अपॉन डेल आर का रिलेशन वी अपॉन आर है वी अपॉन थीटा जिसके साथ मैंने वो बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। डेल यू अपॉन डेल थीटा मैं हटाने की कोशिश करता हूँ, तो आपने दोनों में जैसे विलोपन भी दी पड़ी है, तो एक काम करते हैं कि यदि इस इक्वेशन को कोस थीटा और इस इक्वेशन को साइन थीटा से गुणा करके मैं जोड़ूं, ध्यान से देखो इन इसे मैं कोस थीटा और इसे साइन थीटा से गुणा करके जोड़ूं, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्योंकि बाकी तो सेम है, साइन कोस के अंतर है। तो देखो जब इसे कोस से गुणा करूंगा ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, ये तो कैंसिल हो गए, प्लस इसको साइन से गुणा किए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है। और जब इस इक्वेशन को कोस थीटा से गुणा करूँगा तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, इसको साइन से गुणा किया तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो यानी जो रिजल्ट इसको फिर पहले लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा कुछ ऐसा, ठीक है बस समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई विलोपन विधि, इसको कोस थीटा से और इसको साइन थीटा से गुणा करके जोड़ा, जो कटते हैं उनको काट दो, बची हुई वैल्यू को लिख दो। यदि मैं यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और यदि यहाँ से
मैं डेल वी वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा कॉमन लूँ तो यह आ जाएगा साइन स्केयर प्लस से कोस स्केयर, और हम सब जानते हैं साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर कितना होता है वन वन। तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा वन अपॉन आर डेल वी अपॉन ए। देख लीजिए एक रिजल्ट बन गया नहीं बन गया, समझ आया नहीं है। तो एक रिजल्ट तो ये हो जाएगा भाई वहाँ पे था डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, लेकिन यहाँ क्या है डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन ए डेल थीटा। क्लियर हो गया बच्चों, इतने बस समझ आ गई होगी। अब यदि यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए आप कि अब मुझे ये हटाना है, तो एक काम करता हूँ इसे मैं साइन थीटा से ऊपर वाली को साइन थीटा से और नीचे वाली को कोस थीटा से गुणा करके घटा देता हूँ। इस बार मुझे क्या करना है माइनस करना है। मैंने क्या किया बच्चों ध्यान से देखो, मैंने ऊपर वाली को गुणा किया साइन से तो यहाँ पे होगा साइन कोस, नीचे वाली को गुणा किया कोस से यहाँ पे होगा कोस साइन, ये दोनों कट जाएंगे। लेकिन जो रिजल्ट है जो बची हुई वैल्यू है वो देखिए, तो जब बच्चों मैं इसे साइन थीटा से गुणा करूँगा ये बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये माइनस का आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू, इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये बचेगा, तो इसमें गुणा करूँगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डेल वी अपॉन डेल आर और ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेल वी अपॉन डेल आर, ये कॉमन लेके माइनस डेल यू अपॉन सॉरी वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर की। ये लीजिए बच्चों ये है आपकी सी आर इक्वेशन की पोलर फॉर्म। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, इक्वेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए शायद इतना ही रहेगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी जानकारी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।